शुक्रवार को मिशन नगरोदय योजना अभियान के तहत बागली तहसील की नगर पंचायत कर्णावत कार्यक्रम में उक्त योजना के तहत हितग्राही से जुड़ी मूलक योजनाओं के कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। मिशन नगरोदय अभियान की शुरुआत शुक्रवार के दिन प्रदेश सरकार द्वारा की गई, जिसके अंतर्गत नगर पंचायत कर्णावत द्वारा मिशन नगरोदय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे और युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष राम सोनी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। विधायक की उपस्थिति में नगर पंचायत अंतर्गत 70 लाख की लागत से होने वाले पक्के निर्माण कार्यों के लिए भूमि पूजन व शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर विधायक कन्नौजे और अतिथियों द्वारा कन्या पूजन और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। और उस विकास की बाधा में पुनः सिंधिया जैसे व्यक्ति ने आकर शिवराज जी को सरकार बनाने के लिए आगे लाए और हमारी पहले ही राउंड में पूरे विधानसभा को हिला दिया और तो और पूरे मध्य प्रदेश में किया, बागली विधानसभा में। यह मध्य प्रदेश शासन का नगरोदय कार्यक्रम है और आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 75 माह पूर्व से आज़ादी महोत्सव की शुरुआत भी करी गई। इसके अंतर्गत 305 हितग्राहियों को आवास की एक एक लाख रुपये प्रथम किस्त डाली जा रही है और साथ ही मुख्यमंत्री अधोसंरचना तृतीय फेज में 78.55 लाख की निर्माण कार्यों की भूमि पूजन भी आज संपन्न हुई। क्या इसमें मुख्य विधायक जी आए थे तो क्या और सौगातें थे? कार्य यहाँ पर होना है, इसमें निर्माण कार्य में अधिकतर सीसी रोड और नाली का ही है। पंचायत द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया तो कितने लाख की यहाँ पर सौगात दी गई और क्या पूरा कार्यक्रम? आज जो कार्यक्रम कर्णावत नगर परिषद में जो हुआ है, यहाँ लगभग 3 करोड़ 5 लाख का सौगात सिंगल क्लिप के माध्यम से आदरणीय शिवराज जी ने दिया है। साथ ही लगभग 74 व्यक्तियों का किसी कारण से रुका है तो वो भी हो जाएगा। ऐसे लगभग 400 करोड़ रुपए आज सिर्फ कर्णावत को दिया है। साथ ही 78 लाख की भूमि पूजन भी हुआ है, जिसमें अलग अलग सड़क निर्माण और भवन निर्माण का भी है। इस तरह से हमारे नगर के विकास के लिए हमारे मुखिया ने भारी सौगात दी है। ये भी माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में नगर निकाय चुनाव भी आना, उसी को लेकर यह कार्यक्रम किया जा रहा है? ऐसा नहीं है, ये कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं पैसा रुका हुआ था, आर्थिक मंदी थी, लेकिन हमारे हितग्राहियों के बहुत दिनों से जरूरत थी और उस हितग्राही की मांगों को देखते हुए हम सभी लोगों ने, प्रदेश के कई विधायकों ने मांग रखी और हमारे मुखिया ने प्रदेश में ये हमारे गरीब लोगों का हित को देखते हुए पैसा निकाल कर आज ये बड़ी सौगात दी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।